बाबा तो फिर बाबा को पहचानने के बाद ज्ञान में आने के बाद फिर सीढ़ी क्यों नीचे उतर जबकि ऊंचा चढ़ना चाहिए अवस्था और भी तेज होना चाहिए। तो बात है शिव बाबा आ गया ना, शिव बाबा आ गया कि नहीं जी। और शिव बाबा आ गया तो शिव बाबा कहते हैं एक शिव बाबा दूसरा दूसरा न कोई, तो ऐसा हुआ है। अरे एक शिव बाबा का ही संग लिया है, मनसा से वाचा से कर्मणा से कर्मेंद्रियों से, एक शिव बाबा दूसरा न कोई है, ऐसा संग का रंग लिया तो गलती किसकी हुई है? अरे शिव बाबा आ गए तो ऊंचे चढ़ने चाहिए कि नीचे गिरते हैं? ऊंचे चढ़ने चाहिए, फिर क्या हो रहा है? ये लफड़ा कहाँ से कूद पड़ा है? हो जाता है, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। जन्म जन्मांतर का हिसाब किताब है, जैसा 63 जन्म हुआ है वैसा ही हो जाता है, क्या किया जाए। फिर ये तो ड्रामा में बंधा हुआ है ना बाबा? हाँ ड्रामा में बंधा हुआ है, किसी का ड्रामा में ये बंधा हुआ है कि जब से शिव बाबा आता है तब से एक ही शिव बाबा दूसरा न कोई, और कोई का ऐसा है कि शिव बाबा आता है और शिव बाबा के जाने का भी टाइम हो जाता है, तब तक ये आपस में ही किसी न किसी के साथ चिपक्कू होते रहते। सभी की अवस्था एक समय नहीं होती, सभी का मतलब ये नहीं होता है। वो तो है नहीं, मैंने सोचा कि मतलब बाबा को जब फाइनल परीक्षा होगी, माया का फाइनल पेपर होगा तो पता चलेगा ना अव्वल नंबर कौन और नंबर वार कौन, तो अव्वल नंबर कौन साबित होगा? शिव बाबा। शिव बाबा नंबर में आता है? कौन साबित होगा नंबर वार? है बच्चे ही नंबर वार साबित होंगे।